जी शेख, यह सवाल असल मेरा मेरे जिंदगी का है शेख। असल में जो गुजरा है, जी मैं 5 वक्त नमाज एक मस्जिद में पढ़े 9 महीने हो गए शेख आज थे। उसके लिए वजह यह थी कि मैं जहाँ पे रहता हूँ, यहाँ अहले हदीस मस्जिद तो नहीं है शेख, 8 से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे एक बरेलवी और एक तबलीगी जमात का मस्जिद है मेरे सराउंडिंग में। पहले जी मैं जी शेख 4-5 साल पहले मैं तबलीगी जमात से जुड़ा था शेख, और 3 साल पहले मैं सुन्नत के करीब आके अहले हदीसियत को कबूल किया मैंने। तो जब से मैंने सुन्नत को जान के मैंने नमाज में बदली की और दाढ़ी बढ़ाना शुरू किया, सिर्फ ऐसे सब एक्ट शुरू किए, तो मस्जिद वालों ने बहुत रोका शेख, और डांट भी लगाना शुरू किया। और ऐसे 2-3 साल में, और वो मारने तक भी रेडी हुए शेख, मार हाथ जी उठाकर धमकी देने लगे कि हम गुंडों को बुलाकर तुमको मार देंगे क्योंकि वो सरफ रहे हैं, मेरी बात नहीं मानेंगे, ऐसे धमकियां देने लगे। वो बोलने लगे कि तुम इमाम के पीछे नहीं खड़ सकते, चाहे तुम जितने भी पहले आ जाओ, तुमको सबको खड़ने के बाद तुमको खड़ना है, दूसरी सब में खड़ना है। और मैं जब टखनों के ऊपर कपड़े पहने तो उनको वो उससे भी एतराज है शेख, मैं रफुल यदैन उंगली उठाने, तो ऐसे ये जायज वजह है शेख कि नमाज में वहां जाके नहीं पढ़ूं क्योंकि जी धमकियां मिल रही हैं शेख। जजाकल्लाह। बिल्कुल। देखिए, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से कि अल्लाह ताला ने आपको सुन्नत को इख्तियार करने की तौफीक दी। बहुत बड़ी नेमत है। और जब आप बातिल रास्ता छोड़ करके हक रास्ता इख्तियार करेंगे तो आजमाइशें आएंगी, और ये भी एक आजमाइश है आपके लिए, और इस आजमाइश पर भी आपको अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह इस पर भी आपको अजर मिलेगा। और आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं नाजरीन को से ये बताना चाहता हूं कि देखिए, आदमी तअस्सुब में किस कदर अंधा हो जाता है कि हमारे दीन के जो मुसल्लमात हैं उन मुसल्लमात का भी इनकार करने लगता है, फकत इस तअस्सुब की वजह से और तकलीद की वजह से। और बहुत सारे लोग अहले हदीसों के बारे में कहते हैं कि जो है इनके अंदर टॉलरेंस नहीं है, रवादारी नहीं है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जज्बा नहीं है। जबकि हकीकत यह है कि अगर जो मैदानी जमीनी हकीकत है उसको आप देखेंगे तो अहले हदीसों के अलावा जितने लोग भी, बेशतर लोग जो अपने आप को अलग अलग जमातों से और मसालिक से इंतसाब करते हैं, वो बिल्कुल भी दूसरों को बर्दाश्त करने की कुव्वत उनके अंदर नहीं है। जबकि आपने इसी प्रोग्राम में बारहा हमसे ये सुना होगा, ये फतवा देते हुए कि अगर आप बरेलवी के पीछे नमाज पढ़ते हैं तो आपकी नमाज सही है, आप देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ते हैं आपकी नमाज सही है, फासिक और फाजिर के पीछे भी आपकी नमाज सही हो जाएगी, ये और बात है कि आपको मुत्तबे सुन्नत इमाम का इख्तियार करना चाहिए, लेकिन आपकी नमाज हो जाएगी। आपकी मस्जिद में बरेलवी देवबंदी नमाज पढ़ने आता है, आप उसको नमाज पढ़ दीजिए कि आप उसको ठीक है, आप उसको दावत दीजिए सुन्नत पर अमल करने की, लेकिन उसको आप जबरदस्ती नहीं कर सकते उसके साथ। ये हमारा मनहज और हमारा तरीका है, और वहीं पर उसके बिल्मुकाबिल वो तरीका है जो आपने सुना अभी भाई से, यहाँ तक कि वो टखने से ऊपर अगर जो है शलवार टखने से ऊपर पहनते हैं तो इस पर भी नकीर किया जाता है, जबकि वो सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। तो ये तो मतलब बहुत बड़ी बदकिस्मती है, बसा औकात अगर कोई जानबूझ करके ऐसा करे, तो ये चीज शरीयत के अहकाम की मुखालफत और उसके इनकार के दर्जे तक ये बात जा सकती है, तो ये बहुत बदनसीबी की बात है, और ऐसे लोगों को अपनी इसलाह करनी चाहिए। आपने जो सवाल किया कि आपको धमकी मिलती है, तो क्या इस वजह से आप जमात छोड़ सकते हैं? बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं। अगर आपको उस मस्जिद में इस तरह की धमकी मिलती है और आपको खतरा है, नमाज आपको वहां नहीं पढ़ने दिया जाता है, तो उसकी वजह से आप उस मस्जिद में जाना बंद कर सकते हैं। अगर आपके घर में कुछ लोग हों तो आप वहां जमात बना करके नमाज पढ़ लें, और अगर कोई नहीं है, आप तन्हा हैं, तो आप तन्हा नमाज पढ़ लें, आपको रुख्सत है मुकम्मल तौर से। भाई जी इससे मामूली उज्र की बुनियाद पर जमात छोड़ना जायज है, तो ये तो बहुत बड़ा उज्र है कि आपको गुंडों से मरवाने की धमकी दी जा रही है, तो ये तो बहुत बड़ा उज्र है, तो आप जमात छोड़ सकते हैं। लेकिन वो लोग जो अल्लाह ताला की मस्जिद से लोगों को रोकते हैं, कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा है, वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाही, जी उन लोगों से बड़ा जालिम कौन है जो लोगों को अल्लाह की मस्जिदों से रोकते हैं, और वो ये समझते हैं
कि हम दीन पर, ये काम ताज्जुब तो ये है कि ये काम वो दीन समझ करके कर रहे हैं। जी जी जज़ाकल्लाहु खैर शेख।